स्टेट जेडीयू डिसाइड किया है कि ये लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहा है। स्टेट प्रेसिडेंट को बिना पूछे हुए उन लोगों ने अपना से लीडर्स ऑफ द लेजिस्लेटर पार्टी इलेक्ट किया। जेडीयू अरुणाचल में 2019 में इलेक्शन होके 7 एमएलए जीता है। 7 में से हम लोग मीटिंग बैठ के तिची कासो कैपिटल एमएलए को हम लोग ने लीडर्स ऑफ द लेजिस्लेटर पार्टी इलेक्टेड किया था। तो अभी असेंबली से एक न्यूज आया है कि 6 एमएलए बैठ के अनदर लेजिस्लेटर पार्टी इलेक्ट किया बोला है विदाउट नॉलेज ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट एंड वर्जिन लेजिस्लेटर लीडर। जो 3 एमएलए जो अभी में शो कॉज नोटिस दे रहा है, सस्पेंशन का ऑर्डर निकल रहा है, उसी का कॉन्स्टिट्यूशन को भी मैं रिपीटेडली जो मेंबरशिप ड्रैप करने के लिए भी बोला, उन लोग ड्रैप नहीं किया। इसलिए स्टेट का जेडीयू का पार्टी का तरफ से एक शॉकिंग न्यूज मैं अरुणाचल जनता को बताना चाहूँगा कि मैं पार्टी का तरफ से जेडीयू का 3 एमएलए को शो कॉज निर्देश दिया। विद इन 2 वीक में मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा। और आज हमारा जेडीयू का म्यूनिसिपल जो इलेक्शन कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है, अभी हम लोग 8 कैंडिडेट हम लोग फर्स्ट पेज का हम लोग ने डिक्लेरेशन करने जा रहा है। ये 8 कैंडिडेट हम लोग ने फर्स्ट पेज का जो टिकट आज डिक्लेरेशन कर रहा है।